फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ी हूँ उत्तराखंड के मिनी पंजाब के बॉर्डर के पास। आप में से कई लोग तो मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं हूँ नानक सागर डैम के पास और मैं इस वक्त हूँ नानक मत्था में। मैं इसे उत्तराखंड का मिनी पंजाब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से लेकर उधम सिंह नगर तक सिख समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा है। वैसे नानक सागर डैम को तो हम कई बार आते जाते देख चुके थे क्योंकि ये हमारे घर के रूट पर ही पड़ता है, लेकिन हमारे आने जाने का वक्त ऐसा होता था कि हम रात में ही यहाँ से गुजरते थे, इसलिए कभी यहाँ रुके नहीं। लेकिन आज दिन का वक्त था तो हमने सोचा कि क्यों ना पूरे नानक मत्ता को एक्सप्लोर किया जाए, तो हम नानक मत्ता गुरुद्वारे की तरफ चल दिए। इस गुरुद्वारे का काफ़ी नाम सुना था और इस वक्त मैं खड़ी हूँ नानक मत्ता गुरुद्वारे के बाहर। ये पूरे तराई रीजन का सबसे बड़ा और पवित्र गुरुद्वारा है और सभी धर्मों के लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। नाम से ही जाहिर है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, इसी वजह से यहाँ का नाम नानक मत्ता पड़ा। गुरु नानक देव जी के अलावा सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह भी नानक मत्ता आए थे। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी अपनी कैलाश यात्रा के दौरान इसी जगह रुके। यहाँ आज इतना विशाल, भव्य और शानदार गुरुद्वारा है। थोड़ी देर हम लोग भी गुरुद्वारे के अंदर बैठे और गुरु बानी सुनी। गुरुद्वारे के अंदर जिस तरह का एम्बियंस था उसे देखते हुए यहाँ से उठने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमें दिल्ली भी लौटना था, इसलिए हम गुरुद्वारे के बाकी हिस्से को देखने के लिए बाहर निकले। और बाहर निकलते ही हमें दिखा ये विशाल पीपल का पेड़। जब मैं इस गुरुद्वारे के अंदर आई तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा होगा, लेकिन ये गुरुद्वारा इतना साफ़ सुथरा है, इतना बड़ा है। यहाँ की हर चीज़ बहुत ही विशाल है, जैसे कि यही देख लीजिए, पीपल साहब का पेड़ कितना बड़ा है। ये बहुत ही पुराना है और इसके पीछे की एक हिस्ट्री है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। देखिए इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, बहुत बड़े एरिया तक ये पीपल का पेड़ फैला हुआ है। और वहाँ पर एक सरोवर भी है, मैं आप लोगों को वहाँ भी लेकर चलूँगी और उसके बारे में भी बताऊँगी। कहते हैं गुरु नानक देव जी जब यहाँ रुके तो उस वक्त पीपल का ये पेड़ सूखा था और गुरु के चरण पड़ते ही पेड़ हरा हो गया। इसे देखकर यहाँ रहने वाले योगियों ने अपनी शक्ति से रात में तूफान और बारिश करवा दी, पेड़ हवा से ऊपर उड़ने लगा। तब गुरु नानक देव जी ने अपने पंजों से पेड़ को ऊपर उड़ने से रोक लिया, लेकिन जड़ें जमीन से कुछ ऊपर उठ गई। आज भी यहाँ पेड़ के आसपास घेरा है जिससे जड़ों को ढका गया है। बाद में जब सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी यहाँ आए तो उन्होंने पीपल के इस पेड़ पर केसर छिड़का, तब से ये पेड़ हरा भरा रहता है। वैसे जितना विशाल ये पीपल का पेड़ है उतना ही बड़ा ये गुरुद्वारा भी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को सरोवर भी दिखाऊंगी, तो ये देखिए मेरे पीछे सरोवर, देखिए कितना बड़ा है, मतलब कई पार कितने बड़े नहीं होते जितना ये अकेले का सरोवर है। और यहाँ पर नहाना भी अलाउड है, लेकिन ये आप रेलिंग देख सकते हैं, रेलिंग से इस तरफ ही नहाना अलाउड है, उसके आगे अलाउड नहीं है। और अब इसके बाद मैं आपको गुरुद्वारे का कैंपस दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर वो वहाँ तक फैला हुआ है, कम से कम आधा किलोमीटर तो होगा ही है। और पूरे कैंपस में मार्बल बिछा हुआ है, लेकिन वो मार्बल इतने गर्म हो रहे हैं, उनमें चलना इतना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये देखिए ये जो नीचे कारपेट बिछा हुआ है मैं इसमें चल रही हूँ, तभी चल पा रही हूँ, वरना मेरे पैर जल गए थे जब मैं यहाँ पे चल रही थी। तो इस सरोवर में रंग बिरंगी मछलियाँ भी थी जो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बैठकर इन फिशेस को देखा। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, ये है दूध वाला कुआं। कहते हैं गुरु नानक देव जी की हर यात्रा में उनके साथ जाने वाले भाई मर्दाना ने दूध पीने की इच्छा जताई। जब दूध नहीं मिला तो गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्तियों से इस कुएं के पानी को ही दूध यानी अमृत जैसा बना दिया। यही वजह है कि नानक मत्ता गुरुद्वारे में आने वाला हर श्रद्धालु इस कुएं का पानी ज़रूर पीता है। इसी के साथ हमारे गुरुद्वारे का सफ़र यही ख़त्म हुआ और हम आगे बढ़े। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सिख धर्म का उत्तराखंड से काफ़ी पुराना कनेक्शन रहा है।
नानक मत्ता के अलावा सिखों के दो और पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब भी उत्तराखंड में ही हैं। अब हम नानक मत्ता से आगे बढ़कर सितारगंज किच्छा से गुजर रहे थे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड के तराई रीजन में सिखों की आबादी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो बता दूं कि पार्टीशन यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो रेफ्यूजी भारत आए थे उनमें से कईयों को सरकार ने तराई में बसाया। तब यहाँ ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, दलदली ज़मीन और झाड़ियाँ जंगल ज़्यादा थे। ज़मीन के मालिक थारू जनजाति के लोग थे। सरकार ने कुछ ज़मीन सिख समुदाय के लोगों को भी दी और उन्होंने अपनी मेहनत से इस दलदली ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में बदला और आज यहाँ की ज़मीन फसल उगलती है। हम लोग उधम सिंह नगर यानी रुद्रपुर को क्रॉस कर चुके हैं और इसी के साथ उत्तराखंड के मिनी पंजाब का इलाका ख़त्म होता है। नानक मत्ता और रुद्रपुर के बीच का इलाका कम से कम 40 से 50 किलोमीटर का है। इसके अलावा और भी इलाके हैं जैसे बाजपुर, जिसपुर और काशीपुर। यहाँ पर भी सिख कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं और वहाँ पर आपको उनके रिलीजियस सिंबल दिखेंगे। क्या आप लोग भी इन रास्तों से गुजरे हैं? अगर गुजरे हैं तो क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की है? अगर की है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।